मैं महाभागवत के विषय में बोलना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं श्रावण महीने की इस अष्टमी के दिन अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए और नवमी के दिन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए। अष्टमी के दिन कृष्ण, नवमी के दिन श्रील प्रभुपाद और ठीक दो दिन के बाद एकादशी के दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रकट हुए। वैसे अमेरिका में कल गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा मनाई गई, लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं और मैं अभी अभी भारत से आया हूं तो भारत की हवा अभी तक गई नहीं है। भारत में आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा मनाई जा रही है। वैसे प्रतिवर्ष भारत में गुरुदेव के विषय में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में बोलने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन इस साल मुझे नहीं हुआ क्योंकि कल तो पूरा दिन हम ड्राइव करके आ रहे थे तो मौका नहीं मिला। सोचा कि आज कथा शुरू हो रही है तो भागवत के विषय में कुछ बोलूं, इसके पहले महाभागवत परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा का यह सुमन, यह वाणी से कुछ पुष्प अर्पित कर दूं। आपकी मंजूरी है? पक्का? क्योंकि गुरुदेव के विषय में बहुत, अब जीवन में साल में एक ही दिन होता है जिस दिन हम गुरु महाराज के गुणगान करने का अवसर मिलता है, क्योंकि सिद्धांत है जिसे हम बहुत चाहते हैं, जिसे हम दिलो जान से गुरु मानते हैं, समाज के बीच में उनके गुणगान करना उचित नहीं है। और शायद इसीलिए मेरे सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया। आप जानते हैं ना, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी राधा के नाम का जिक्र नहीं किया, राधा का नाम नहीं लिया। कारण यही था भक्तों कि श्रीमती राधा रानी सुखदेव गोस्वामी की गुरु है और अपने प्रिय, अपने प्रियतम, अपने प्रियतर का नाम एक मर्यादा के कारण सुखदेव जी ने समाज में लेना उचित नहीं समझा। ठीक उसी प्रकार रोज रोज तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन व्यास पूजा के इस पावन अवसर में गुरुदेव के गुणगान करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं प्रतिवर्ष परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में बहुत कुछ बोलता हूं। कई बार कुछ लोग मुझे कहते भी हैं, आप तो राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं और आप गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में इतना क्यों, कैसे जानते हैं? तो मैं इतना ही कहता हूं कि राधा गोविंद महाराज मेरे पिता है और गोपाल कृष्ण महाराज मेरे दादा है, मेरे परम पिता है। क्योंकि हमारे पिताश्री लोहिताक्ष प्रभु माताजी, मंगल प्रभा माताजी, हमारे माता पिता के गुरु, दीक्षा गुरु पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और सिद्धांत यदि आपको कहूं तो भक्तों, गुरु की चार वृत्ति होती है। बच्चों को शांत रखना चाहिए, जाओ आप बताओ, नहीं तो बाहर बैठे हैं। तो क्या कह रहा था? हाँ,
गुरु की चार वृत्ति होती है। हमारा क्या है ना, हमारी ये कलयुग की बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि बहुत सीमित हो चुकी है भक्तों। हमारी बुद्धि विशाल रखनी चाहिए, हृदय महान होना चाहिए। हम क्या है, छोटी छोटी बुद्धि में छोटी छोटी सोच रखते हैं, खास करके मेरे जैसे लोग। आप सब तो महान, ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है, और मेरे गुरु मेरे ही हैं, तेरे गुरु तेरे हैं। नहीं, इन सब छोटी छोटी धारणाओं से बाहर निकले। पहले तो गुरु का अर्थ समझे, गुरु क्या है। गुरु, गुरु माने महान, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। गुरु विशाल तत्व है, बहुत बड़ा तत्व है, इसे समझे। श्री चैतन्य चरितामृत और हमारा लॉ बुक ऑफ इस्कॉन भक्ति रसामृत सिंधु, शिवाद रूप गोस्वामी और कविराज गोस्वामी की लेखनी से यदि मैं आपको बताऊं तो गुरु की चार वृत्ति होती है। ये वृत्ति शब्द आप शायद नहीं समझ पाओ तो तात्कालिक यह समझ लीजिए कि गुरु के चार कार्य होते हैं। गुरु की चार वृत्ति, चार कार्य। एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, है? एक है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें पथ बताते हैं, इसे पथ प्रदर्शक कहते हैं। हो सकता है पथ प्रदर्शक गुरु हमारा मार्गदर्शन करे, हमें रास्ता दिखाए, वे खुद ना चले, है ना, वे खुद ना चले, हम बहुत आगे निकल जाए और वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन वे है पथ प्रदर्शक गुरु। बिल्वा मंगल ठाकुर के लिए एक वेश्या पथ प्रदर्शक गुरु बन गई। बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में, ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए उन्होंने जिक्र किया, मैं प्रणाम करता हूं चिंतामणि को। ये चिंतामणि एक वेश्या थी, एक नृत्यांगना थी, और उस नृत्यांगना का नाम उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा, क्योंकि उन्होंने इजहार किया कि उस नृत्यांगना ने, उस वेश्या ने मेरा मार्गदर्शन किया था। संक्षिप्त में मैं कथा कह दूं, बिल्वा मंगल ठाकुर एक नृत्यांगना में, एक वेश्या में आसक्त थे। बच्चों को शांत रखें। रोज उस वेश्या से मिलते थे। एक दिन उस नृत्यांगना से मिलने का समय हो गया और उसी समय बिल्वा मंगल ठाकुर के पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करना चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए, यह सब न करते हुए उसे छोड़कर बिल्वा मंगल उस वेश्या के पास चले गए। भक्तों, प्रकृति यह सहन नहीं कर पाई और उसी समय झांझावात अचानक आंधी और तूफान होने लगा, असमय में वर्षा होने लगी। उस चिंतामणि नृत्यांगना से मिलने के लिए एक एक नदी पार करनी होती थी। ये आंधी तूफान के कारण कोई नाविक नहीं, कोई नौका चलाने वाला नहीं था। क्या करे, उस नृत्यांगना से मिलने के लिए इतनी लालसा थी, इतनी उत्कंठा थी। एक लकड़ा तैरता हुआ आ रहा था, बिल्वा मंगल उसके ऊपर बैठ गए और नदी को पार कर लिए, उस पार पहुंच गए। उस नृत्यांगना ने आंधी तूफान के कारण अपनी सारी खिड़की, अपने सारे दरवाजे बंद करके रखे थे, दरवाजा खोला नहीं। बिल्वा मंगल वहीं पर निकट में एक वृक्ष पर चढ़ गए। वहां पर एक रस्सी लगी हुई थी, रस्सी को पकड़कर
खिड़की के माध्यम से वे उस वेश्या के घर पर पहुंच गए। कीचड़ से बिगड़े हुए थे, पानी से लथपथ थे, और उस वेश्या ने बिल्वा मंगल ठाकुर को देखा। उस वेश्या ने कहा, बिल्व, तुम्हें मुझ में इतनी आसक्ति है, मुझे मिलने में, मुझे देखने में इतनी तड़प, इतनी आसक्ति? अरे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, उनका दाह संस्कार भी नहीं किया। बिल्व, मैंने देखा कि तुम नदी पार करने के लिए जिस लकड़े पर बैठकर आए, वह लकड़ा नहीं था, वह मगरमच्छ था। मुझे मिलने की इतनी तलब थी कि मगर के ऊपर बैठकर तुम यहां पर आए। और बिल्व, यहां पर पेड़ पर रस्सी समझकर जो तुम पकड़कर अंदर आए, वह रस्सी नहीं, वह सांप था। तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा? बिल्व, यदि इतनी उत्कंठा, जितनी उत्कंठा तुम्हें मुझे मिलने के लिए है, इतनी उत्कंठा यदि तुम्हें कृष्ण के मिलने के लिए होती, तो आज कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो गए होते। आज कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो गए होते। इतना सुनते ही यह शब्द बिल्वा मंगल ठाकुर के हृदय में लग गया, वैराग्य हो गया, निकल गए वन में और भजन करने लगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आगे चलकर बिल्व मंगल ठाकुर बहुत बड़े भक्त बने, बहुत बड़े भक्त। वैष्णव समाज में उनका बहुत बड़ा नाम हुआ, लेकिन उस स्थिति में भी वह उस नृत्यांगना को नहीं भूले। जब ग्रंथ लिखना हुआ तो उन्होंने उस नृत्यांगना को, चिंतामणि को याद किया। जो भी हो, मेरा मार्गदर्शन उस नृत्यांगना ने किया था, तब जाकर मैं आज यहां पर हूं। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, गुरु की एक वृत्ति है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। और पथ प्रदर्शक गुरु कोई भी हो सकता है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। जैसे मेरे जीवन में मेरे माता पिता पथ प्रदर्शक गुरु रहे, कोई मित्र हो सकता है, पत्नी हो सकती है, अरे कभी कभी पथ प्रदर्शक गुरु बच्चे भी हो सकते हैं। हम इस्कॉन में देखते हैं, बच्चों के कारण माता पिता भजन में, भक्ति में आते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु है। लेकिन ये मात्र पथ प्रदर्शक गुरु है। देखिए, पथ प्रदर्शक गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए कि मैं तो सोला माला करता हूं, ये तो कुछ नहीं करता। उन्होंने मार्गदर्शन किया सो किया, वो कुछ करे या ना करे, हमें जीवन भर तक उनका आदर करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये गुरु की एक वृत्ति है। जरूरी नहीं है कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सबके दीक्षा गुरु हो, वे किसी के दीक्षा गुरु हो सकते हैं, तो गुरु महाराज किसी के पथ प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं। हमारे भारत में एक माताजी है, एक महिला है, मैं आपको प्रकट दृष्टांत दूं। एयर इंडिया फ्लाइट में वह एयर होस्टेस थी, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी उस एयर इंडिया फ्लाइट से भारत से अमेरिका आ रहे थे। वो तो एयर होस्टेस थी, उसे तो कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन गुरु महाराज का प्रभाव देखिए आप। वे एक साधारण सी महिला एयर होस्टेस परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास आई, उनको देखकर जिज्ञासा कर बैठी। महाराज जी ने चंद शब्द, चंद वाक्य उनके सामने कहे, उनका हृदय गदगद हो गया। और भक्तों, वे तुरंत जैसे ही फ्लाइट उनके काम समाप्त हुआ, भारत में पहुंची, तुरंत जुहू मंदिर में आई, भगवान का दर्शन किया, और समय बीतने के बाद पुनः गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मुलाकात की, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर ली। इतना ही नहीं, मुंबई में वो महिला हमारे एक इस्कॉन मंदिर की प्रेसिडेंट है, एक साधारण से एयर होस्टेस। गुरु को
छोटी छोटी बुद्धि में बांधने का प्रयास ना करें कि ये मेरे गुरु है। तो गुरु की एक वृत्ति है पथ प्रदर्शक गुरु। गुरु की दूसरी वृत्ति है शास्त्रीय गुरु, जो शास्त्र का ज्ञान देते हैं, जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों को हमें समझ में आए उस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, इसे शास्त्रीय गुरु कहते हैं। यह भी गुरु की वृत्ति है। जो हमें शास्त्र का ज्ञान दे रहा हो वे हमारा गुरु है, भले वो दीक्षा गुरु नहीं है लेकिन वो हमारा शास्त्रीय गुरु है। हम जिन से भी, जिस किसी से भी शास्त्र का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा शास्त्रीय गुरु है। हो सकता है वो हमारा पथ प्रदर्शक गुरु ना हो, शिक्षा गुरु ना हो, दीक्षा गुरु ना हो, लेकिन उनसे हमने शास्त्र का ज्ञान ग्रहण किया है इसलिए वे शास्त्रीय गुरु हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे डायरेक्ट गुरु नहीं है लेकिन वो हमारे शास्त्रीय गुरु है। उन्होंने इतने शास्त्र दिए, श्रील प्रभुपाद के शास्त्र को पढ़कर हम कहीं ना कहीं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो गुरु की दूसरी वृत्ति शास्त्रीय। गुरु की तीसरी वृत्ति है दीक्षा गुरु, अर्थात गुरु दीक्षा देते हैं। गुरु का कार्य है दीक्षा देना। दीक्षा का अर्थ है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। शिष्य अपनी आत्मा का समर्पण करता है और गुरु अपने शिष्य को भगवान के साथ संबंध जोड़ता है। एक दिव्य प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु अपने शिष्य को जोड़ देता है उस परंपरा के साथ, भगवान के साथ संबंध करा देता है। इस विधि को दीक्षा कहते हैं। तो जैसे पथ प्रदर्शक एक वृत्ति है, शास्त्रीय ज्ञान देना एक वृत्ति है, ठीक उसी प्रकार दीक्षा भी एक वृत्ति है। और चौथी वृत्ति है शिक्षा गुरु। श्रीपाद जीव गोस्वामी के अनुसार कहूं तो ये चार वृत्ति है, पथ प्रदर्शक गुरु, शास्त्रीय गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है जानते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि दीक्षा गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है। दीक्षा गुरु महान है लेकिन सबसे श्रेष्ठ है शिक्षा गुरु। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा, शिक्षा गुरु हैते कृष्णेर स्वरूप। शिक्षा गुरु जो है कृष्ण का स्वरूप है। मेरी दृष्टि से यदि आप मुझे पूछो तो दीक्षा गुरु हमारे पिता है और शिक्षा गुरु हमारी माँ है। और बच्चों के जीवन में हमने अक्सर देखा है कि बच्चे माँ से इतना प्यार नहीं करते जितना बाप से करते हैं, क्योंकि पिताजी जो है खिलौने लेकर आते हैं और दिन भर तो मिलते नहीं पिताजी, केवल शाम शाम को घर पर आते हैं और माँ के साथ 24 घंटा रहना होता है तो सोचता है ये माँ की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्योंकि शिक्षा गुरु के साथ बहुत समय बिताना होता है इसलिए कभी कभी हम शिक्षा गुरु की वैल्यू नहीं करते हैं। शिक्षा गुरु महान है। तो ये चार वृत्ति, मुझे जो संक्षिप्त में आपसे इतना ही कहना है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किसी के दीक्षा गुरु है तो किसी के शिक्षा गुरु है, किसी के शास्त्रीय गुरु है तो किसी के पथ प्रदर्शक गुरु है, तो फिर किसी के ये चारों चार है। किसी के चारों चार एक ही पर्सनैलिटी में है। कुल मिलाकर आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्मदिन है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में संक्षिप्त में यदि कहूं तो उत्साह की,
साक्षात मूर्ति है गोपाल कृष्ण महाराज। मैंने प्रभुपाद को तो अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन यदि मुझे समझना हो कि प्रभुपाद कैसे होंगे, तो जब मैं गोपाल कृष्ण महाराज को देखता हूं तो सोचता हूं ऐसे ही प्रभुपाद होंगे, ऐसे ही होंगे। भगवान की सेवा करने में इतने रत रहते हैं, इतने एंगेज रहते हैं, इतने संलग्न रहते हैं, रात दिन का कोई ज्ञान नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद ने उनको सेवा दी है कि आप जैसे प्रभुपाद को उनके गुरु ने सेवा दी थी कि जब भी समय मिले, धन मिले, तो पुस्तक लिखिएगा और उसका वितरण कीजिएगा। और श्रील प्रभुपाद ने यह इंस्ट्रक्शन अपने शिष्य, अपने प्रिय शिष्य गोपाल कृष्ण महाराज को प्रदान की, और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अनेकों प्रकार की सेवाओं में संलग्न है, लेकिन प्रमुख रूप से प्रभुपादस्य साहित्य यत् प्रकाश वितेर्य च प्रचारम कृतवाम साधु भागवत पादायते नमः। मैं आपको एक बात बताऊं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र जब मैं 5 साल का था तब से मुझे याद है। आप लोगों को तो अभी अभी याद हुआ होगा। मैं जब 5 साल का था, मेरे माता पिता को दीक्षा लेनी थी और वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं उनको ये मैं भी याद किया और मैंने भी उनको सिखाया। मैं पिछले 2 साल में मेरा एक संकल्प था कि इस्कॉन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो मैं इस गत वर्ष में मैं 50 भागवत कथा करूंगा। नहीं कर पाया, 46 ही कर पाया, 46 में आउट हो गया। और यदि 46 में आउट ना होता तो मैं घर से आउट हो जाता, क्योंकि 46 कथा करने में मुझे लगभग 335 दिन लगे और बाकी के दिन मुझे घर पर रहना था, क्योंकि एक गृहस्थ आदमी हूं। लेकिन मैंने एक अनुभव किया, मैं पूरी दुनिया में जाकर, लगभग बड़े बड़े देशों में जाकर, गल्फ में जाकर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, थाईलैंड, यहां वहां सब जगह पर गया, और उत्साह में आकर कथा तो कर लेता था, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते ही जैसे समय का बदलाव होता था, भोजन का बदलाव होता था, और बीच बीच में तो मैं बहुत बीमार हो गया, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, अनेकों गोलियां लेनी पड़ी, दवाई लेनी पड़ी। उस समय में गोपाल कृष्ण महाराज को याद किया कि यार एक साल में इतनी कथा करने में यह हालत है, महाराज जी अनेकों वर्षों से एक के बाद एक कंट्रियों में जाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, आज अमेरिका में हैं तो कल भारत पहुंचेंगे, और भारत की मंगला आरती गोपाल कृष्ण महाराज के हाथों से होगी। यह सबसे बड़ी बात है, अपना क्रम नहीं चूकते हैं, चाहे समय बदल जाए, स्थान बदल जाए, लेकिन अपना कार्य नहीं बदलते हैं। इसे कहते हैं आचार्य, जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज का प्रवचन ज्यादा लंबा नहीं होता है, ये 2-2, 3-3 घंटा तो हम लोग बोलते हैं, महाराज जी 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, क्योंकि सच कहें तो उनको प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं, उनका आचरण ही एक बहुत बड़ा प्रचार है। मैं आपको एक बात बताऊं, कई वर्षों के बाद इस साल गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा रशिया में मनाई जा रही है, मॉस्को में,
अब ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं रही। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा मॉस्को में रशिया में मनाई जा रही है, यही उनकी सबसे बड़ी महानता है। एक ऐसा देश रशिया मॉस्को जहां पर दुनिया के सबसे अधिक पाप होते हैं, एक ऐसा देश जहां पर उनकी गवर्नमेंट ने भगवद गीता को बैन कर दिया, एक ऐसा देश जहां पर गवर्नमेंट ने हमारे भारतीय मंदिर को, इस्कॉन जैसे मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन उस देश में गोपाल कृष्ण गोस्वामी के हजारों हजारों शिष्य है। इससे बड़ा अनुमोदन और क्या हो सकता है, इससे बड़ी महानता और क्या हो सकती है। शरीर भारतीय और परवरिश कनाडा में हुई, और प्रचार करने हेतु गुरु महाराज ने रशिया भाषा को भी आत्मसात किया, इस भाषा को भी सीख लिया। मैं महाराज जी के विषय में मेरी आंखों से मेरे जो अनुभव हुए हैं बचपन से ही, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मुझे शिष्य कम और पुत्र अधिक मानते हैं। मैंने सुना भी है और देखा भी है और लोगों से सुना भी है, जब वे मेरा परिचय दूसरों को देते हैं तो कहते हैं कि वो मेरे पुत्र के समान है, लाल गोविंद मेरे सन जैसा है, मेरे पुत्र जैसा है, बड़ा वात्सल्य है। और गुरु महाराज जब भी मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी जब भी मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आपकी कथा कैसे चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप खूब कथा करो। और एक पॉइंट अवश्य कहते हैं कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कीजिएगा, आपकी सारी रुकावट दूर हो जाएगी। एक दिन मैं उनके कमरे में बैठा था, ये सत्य घटना है कुछ साल पहले की, और एक ब्रह्मचारी किसी बहुत बड़े डोनर को लेकर आया, श्री राधा रास बिहारी जी का एक बहुत मोटा सा, आप तो जानते ना, गुलाब का हार था। और ब्रह्मचारी ने अपने डोनर को कहा कि प्रणाम करो, गुरु महाराज को प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को इशारा किया, मैं बैठा था बाजू में, इशारा किया कि आपके गले में जो हार हैं आप इस डोनर को पहना दीजिए। महाराज जी ने कहा मैं नहीं पहनाऊंगा, एक बार तो ठीक है, दूसरी बार ब्रह्मचारी ने कहा, दूसरी बार कहा मैं नहीं पहनाऊंगा, मैं क्यों पहनाऊं, बोले ये डोनर है। बोले डोनर है तो क्या हो गया, मैं हार नहीं देने वाला हूं। लिटरली महाराज एक बच्चों की तरह जीत कर बैठे। वो ब्रह्मचारी कहने लगा नहीं आप इसे पहनाइए, बोले नहीं पहनाऊंगा। जब बार बार उस ब्रह्मचारी ने कहा तो महाराज जी ने कहा ठीक है मैं देता हूं, डांटते हुए कहा, लेकिन एक पंखड़ी भी, हार की एक ये पंखड़ी होती ना, एक पंखड़ी भी यदि नीचे गिर गई तो खबरदार, क्योंकि ये राधा रास बिहारी ने स्वयं पहना हुआ हार है, इसकी एक पंखड़ी भी धरती पर भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। इतनी श्रद्धा भगवान के निर्माल्य में है, ये है श्रद्धा, ये है प्रेम। तो इस प्रकार परम पूज्य गोस्वामी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एकादशी के दिन जन्म हुआ। और वास्तव में हमारे भारत के जीबीसी में उनका बहुत उच्च स्थान है, अनेकों मंदिर जिनकी कृपा के अंतर्गत फल फूल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं भी एक मुंबई में छोटा सा मंदिर चला रहा हूं इस्कॉन का, और उस मंदिर का मैनेजर हूं, और मेरे जीबीसी भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है। तो बिल्कुल सफल सन्यासी और सफल जीबीसी हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी इस्कॉन में। देखिए ये एक संस्था है, और संस्था में अनेकों प्रांत के, अनेकों देश के, अनेकों राज्य के लोग होते हैं, और कभी कभी भक्तों के बीच में आपस में मतभेद, मन मुटाव हो जाता है, और कभी कभी भक्त नर्वस हो जाते हैं। मेरे जीवन में जब ऐसी स्थिति होती है, इन दिनों में तो बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है,
मेरे जीवन में जब ऐसी स्थिति होती है तब मैं और कुछ नहीं करता, मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को याद कर लेता हूं। इतने वर्षों से इस्कॉन में उनका अटल स्थान है और जब कहीं कहीं किसी भी जगह पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो गोपाल कृष्ण महाराज जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत, और उनका एक ही काम है लोगों को जोड़ना जोड़ना जोड़ना। तो आज ऐसे गुरु महाराज की कृपा हम सब पर है और इसीलिए हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और जिनकी कृपा हम पर है उनका इजहार आज व्यास पूजा के दिन करने का मुझे अवसर मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ। और अंत में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे महाराज, आप हम पर कृपा कीजिए कि हम आपको प्रसन्न कर सकें और आपकी प्रसन्नता हेतु श्रील प्रभुपाद की सेवा कर सके। इस कौन में रहकर हम सुंदर तरीके से भक्ति करें और भक्ति में आगे बढ़े। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम।